हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ट्रस्ट। आज थर्सडे है, अभी मेरे पीछे देख रहे हो तो मेरा सेटअप अभी ऑन हो चुका है यहाँ पे। और अभी टाइम जो हो रहा है 2 बजने वाले हैं और मैं 1 बजे करीब मार्केट में आ गया था, बट मैंने थोड़ा आपको दिखाया नहीं उस समय क्योंकि मार्केट का बिहेवियर उस समय साइडवेज चल रहा था ना, तो मैंने सोचा वीडियो बनाने का क्या फ़ायदा है। तो चलो मैं अभी आपको मार्केट का बिहेवियर दिखाता हूँ कि मार्केट अभी किस तरीके से चल रहा है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपको कुछ ना कुछ सीखने को नहीं मिलता तो इस वीडियो को डिसलाइक ज़रूर करना, और अगर कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है तो इसको लाइक करना, ताकि लाइक करने से मुझे पता चलता है कि हाँ भाई वीडियो अच्छी लग रही है लोगों को, और डिसलाइक करने से मुझे पता चलता है कि वीडियो लोगों को अच्छी नहीं लग रही है, ताकि मैं और इम्प्रूव कर पाऊँ अपनी वीडियोज़ को। तो चलो मैं आपको मार्केट का बिहेवियर दिखाता हूँ कि मार्केट अभी किस तरीके से चल रहा है और किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। तो चलो मैं स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ आपको। जैसे ये देख सकते हो निफ्टी 50 का चार्ट है और मैं निफ्टी 50 में आज ट्रेड करूँगा, और मैं रोज़ निफ्टी 50 में ही ट्रेड करता हूँ। यहाँ पे देखोगे तो अभी निफ्टी 50 9:15 की कैंडल, अभी 2 बज रहा है और 9:15 की कैंडल यहाँ पे ओपन हुआ, इसने कंसोलिडेट करके एक फेक ब्रेकआउट देके ऐसे हिट कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, अभी आप देखोगे तो ये कंसोलिडेशन मोड में था, एक राइजिंग वेट पैटर्न बनाया था इसने और कंसोलिडेशन मोड में था, और उसके बाद इसने पैटर्न को ब्रेकआउट किया और नीचे तरफ जा रहा है। ये सपोर्ट तक जाने का चांस है और ये जा भी सकता है इस सपोर्ट तक। और बात करें बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी भी सेम जैसे निफ्टी ने किया वैसे ही इसने भी किया, अपने यहाँ पर खुला। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो ये भी 9:15 यहाँ पर खुला, एक कंसोलिडेशन किया, कंसोलिडेट किया थोड़ा सा ब्रेकआउट दे के, और किसी ने स्कैल्प किया होगा तो यहाँ पर पकड़ा होगा, और जो ट्रेड के लिए घुसा होगा तो यहाँ पर ऐसे हिट हो गया होगा उसका, और अगर वो रेजिस्टेंस पर निकल गया होगा तो नहीं हुआ होगा। लेकिन कोई बात नहीं, फिर उसने यहाँ पर नीचे की तरफ ब्रेकआउट किया और उसने भी सेम एक पैटर्न बनाया, इसने ब्रेकआउट किया एंड वो अगले सपोर्ट तक जाने की कोशिश कर रहा है और वो जा भी सकता है यहाँ पे। और हम पुट साइड में ही ट्रेड लेंगे क्योंकि मार्केट जो है बियरिश ही है, यहाँ पे देखोगे तो मार्केट जो है बियरिश ही है, तो हम पुट साइड में ही ट्रेड लेंगे, पुट ही बाय करेंगे। और मैं आपको अभी डाटा दिखाता हूँ क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस और डाटा एनालिसिस दोनों को जब हम करते हैं तो 360 डिग्री में मार्केट को देख सकते हैं। यहाँ पर देखो TradingTick.com है, यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे देखो कॉल वर्सेस पुट ओआई को देखना बहुत ज़रूरी होता है। ओआई का मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट होता है ओआई का मतलब। एंड तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सिंपल जाओ, यहाँ सिंबल देखो, सिंबल है यहाँ पे बैंक निफ्टी, निफ्टी एंड फिर निफ्टी तीनों को देखो, ट्रैक करो। देखो यार जरूर आपको रोज़ एक ही चीज़ करनी है। अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हो तो मैं रोज़ एक ही चीज़ करता हूँ, ये नहीं कि मैं आज कुछ कर रहा हूँ, कल कुछ कर रहा हूँ, परसों कुछ कर रहा हूँ, नहीं। आज अगर मैंने कोई स्ट्रैटजी यूज़ की है तो कल भी मैं वही स्ट्रैटजी यूज़ करूँगा, परसों भी मैं वही स्ट्रैटजी यूज़ करूँगा। अगर मैं रोज़ रोज़ अगर अपनी स्ट्रैटजी बदलूँगा तो भाई, अगर आज मैंने हैमर ट्रेड कर लिया, कल मैं ट्रेड कर रहा हूँ बुलिश इंगल्फिंग, आज मैंने हैमर ट्रेड किया उसने मेरा एसएल दे दिया, कल मैंने बुलिश इंगल्फिंग ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया उसने हैमर एसएल दे दिया, लेकिन जो हैमर जो मेरे को कल एसएल दिया था वो आज प्रॉफिट दे दिया। तो इस तरीके से मार्केट चलेगा, फिर आपको ज़्यादा लॉसेस होंगे। इसीलिए आप एक जो है एक इंडाइसिस ट्रेड कर रहे हो या फिर एक पैटर्न पे ट्रेड कर रहे हो, एक स्ट्रेटजी पे ट्रेड कर रहे हो, उसी इंडाइसिस उसी पैटर्न पे ट्रेड करते रहो। लॉन्ग टर्म में आपको रिजल्ट देखना है, ना कि शॉर्ट टर्म में। तो यहाँ पर आप दोगे तो हम बात करते हैं निफ्टी की कि निफ्टी का डाटा क्या कहता है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जाना है एंड निफ्टी का डाटा, निफ्टी के मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पे देखोगे कॉल वर्सेस पुट वाई में कॉल ज़्यादा है एंड पुट कम है, मतलब कॉल सेलर ज़्यादा है पुट सेलर कम है। तो कॉल सेलर ज़्यादा है तो मार्केट का व्यू है कि मार्केट नीचे जाएगा, और डाटा कह रहा है मार्केट नीचे जाएगा, और टेक्निकल भी क्या कह रहा है, मार्केट भाई नीचे ही जाएगा। तो यहाँ पर कॉल सेलर की बात हो रही है, पुट सेलर की बात हो रही है। ऑप्शन बाइंग में, ऑप्शन ट्रेडिंग में दो लोग होते हैं, एक ऑप्शन बायर एक ऑप्शन सेलर। ऑप्शन बायर क्या करते हैं, सीईपी को बाय करके चलते हैं, एंड ऑप्शन सेलर क्या करते हैं, सीईपी को सेल करके चलते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि बैंक निफ्टी के क्या है, बैंक निफ्टी में ऑप्शन सेलर क्या कर रहे हैं। तो बैंक निफ्टी में भी ऑप्शन सेलर कॉल को ज़्यादा सेल कर रहे हैं, पुट को कम सेल कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू पुट सेलर कॉल सेलर यहाँ ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी जो है साइडवेज प्लस बियरिश है, क्योंकि आप देखोगे कॉल सेलर पुट सेलर लगभग सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा कॉल सेलर ज़्यादा है तो साइडवेज प्लस बियरिश, ठीक है। एंड बात करें फिर निफ्टी की, तो फिर निफ्टी क्या है, तो यहाँ पर जाओ तो फिर निफ्टी देखोगे तो एज़ कम्पेयर टू पुट सेलर कॉल सेलर यहाँ पर ज़्यादा है, तो फिर निफ्टी भी क्या है भाई, बियरिश ही है। तो सिंपल सी बात है, हम पुटी बाय करेंगे और देखेंगे, जो भी बाय करेंगे मैं आपको दिखाऊंगा। और यहां पे अगर आप देखोगे मैं निफ्टी में ट्रेड करता हूं, मैं चाहता हूं कि निफ्टी ने यहां पे ब्रेकआउट किया ना, अब ये थोड़ा सा अपने 9 EMA पे जाके एक बिग बार सेटअप बना दे, बिग बार छोटा सा सेटअप बना दे, मैं यहां पे ट्रेड कर लूंगा नीचे साइड में। और यहां पे बैंक निफ्टी देखोगे, बैंक निफ्टी में भी अपने सपोर्ट को ब्रेकआउट कर दिया है, और यहां पे अगले सपोर्ट तक ये आएगा तो ये भी अपने 9 EMA पे पास है। देखो यहां पे 9 EMA लगा रखा मैंने, 9 EMA के पास है, यहां पे भी एक छोटा सा बिग बार बना दे
और फिर मज़ा आ जाएगा, फिर हम ट्रेड कर लेंगे। अगर एसएल हिट होगा तो कोई बात नहीं, एसएल दे देंगे, एंड अपना टारगेट हिट होगा तो टारगेट दे देंगे। अब यहाँ पे बिग बार बनाए तो ट्रेड करूँगा, ज़रूरी नहीं है। देखो बिग बार बनाएगा तो मैं ट्रेड करूँगा ही, लेकिन यहाँ पे कुछ अगर मान लो यहाँ बिग बार बनाया लेकिन वहाँ पे कुछ डाटा मुझे अलग कह रहा है, टेक्निकल क्या पता मुझे क्या बोलते हैं निफ्टी कुछ अलग, निफ्टी में मैं ट्रेड करूँगा, बैंक निफ्टी कह रहा है कि नहीं भाई मैं तो ऊपर जाऊँगा, तो यहाँ पे सब कुछ मिल विल के जब मेरे को नीचे साइड में ट्रेड मिलेगा तब मैं ट्रेड करूँगा। तो जो भी होगा मैं आपको बताऊँगा, तो आप बने रहो वीडियो में। और ट्रेडर्स यहाँ पे एक ट्रेड प्लान कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे देखो कि 9 रुपये का एसएल है, बस थोड़ा सा यहाँ पे आ जाए तो एंट्री अपनी हो जाएगी 165 के लेवल पे, एंड 30 रुपीज़ का टारगेट है होता। और मैंने यहाँ पे बताया था आपको कि निफ्टी में मैं ट्रेड करूँगा, निफ्टी यहाँ पे था जब मैंने आपको बताया, तो मैंने कहा था कि यहाँ पे आएगा थोड़ा बिग बार सेटअप बनाएगा तो मैं यहाँ पे ट्रेड करूँगा, लेकिन यहाँ पे आके कुछ नहीं बनाया। फिर दूसरी बार जब यहाँ पे रेजिस्टेंस पे जाके फिर नीचे की तरफ आया तो एक अर्ली एंट्री सेटअप बनाया, बिग बार का ही सेटअप है अर्ली एंट्री, आपको पता होगा यहाँ पे बनाया, 9 AM को ब्रेकआउट किया, एंड यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी भी एक सपोर्ट पे ही था, सॉरी रेजिस्टेंस पे ही था, तो वो भी नीचे की साइड जा सकता था, और यहाँ पे निफ्टी ने भी नीचे की तरफ जाने का कोशिश किया है, यहाँ पे अर्ली एंट्री सेटअप बना, और सेम यहाँ पे देखोगे तो ये भी यहाँ पे ही बना, और यहाँ पे बस थोड़ा सा और नीचे आ जाए एंट्री हो जाएगी अपनी होती है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 168 के लेवल पे कितनी 165 के लेवल पे यहाँ पे एंट्री हो जाएगी, एंड 195 पे अपना टारगेट हिट हो जाएगा। तो लेट्स सी, देखते ही अपना एंट्री देता है कि क्या करता है, एंट्री देगा यहाँ पे, एंट्री आएगा तभी मैं एंट्री करूँगा, विदाउट एंट्री कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर एंट्री नहीं देगा और ऐसे ही चला जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, देखते पहले यहाँ पे ट्रेड मिलता है नहीं मिलता, ठीक है। फाइनली यहाँ पे एंट्री हो गई है अपनी, यहाँ पे एंट्री हो गया था, यह एसएल के पास आ चुका है, और इसमें 10 रुपये का एसएल है मैंने आपको बताया था, लेकिन आप ध्यान से देखो तो इसने अपना एसएल हिट नहीं किया है, तो देखते ही अगर एसएल हिट करता है अपना टारगेट हिट करता है, जो भी करेगा मैं आपको बताऊंगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो लॉस हो चुका है मेरा, यहाँ पे एसएल हिट हो चुका है, 10 रुपये का एसएल था एंड यहाँ पे एसएल हिट कर दिया, इसी वाली कैंडल नहीं एसएल हिट कर दिया था। चलो अब मैं कोई ट्रेड नहीं करूंगा, अपना डे जो है आज एसएल हिट हो चुका है तो अपना डे आज लॉस में क्लोज होता है, टारगेट जो है बंद हो चुका है ऑलमोस्ट, आप देख सकते हैं मेरा सेटअप जो है ऑलमोस्ट बंद कर दिया मैंने, और आज का डे हमने लॉस में क्लोज किया, और आज आरबीआई का पॉलिसी था, बहुत से लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहा होगा, आज के दिन उन्होंने 10 रुपये का प्रीमियम 100 रुपये किया होगा, लेकिन आज हम नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। देखो सिस्टम है भाई, एक सेटअप के साथ काम करते हैं, एक सेटअप के साथ ट्रेडिंग करते हैं, हमें नहीं चाहिए ज़्यादा प्रॉफिट भाई, कंसिस्टेंटली प्रॉफिट चाहिए, एक दिन प्रॉफिट दूसरे दिन लॉस ऐसा नहीं चाहिए, मतलब कम ही कमाऊं लेकिन भाई धीरे 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 कमाते रहो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप देखते होंगे कि मैं एक दिन लॉस करता हूं दूसरे दिन 2 गुना 3 गुना प्रॉफिट कर देता हूं, और अगर आप मेरी लाइव ट्रेडिंग वीडियोज़ रोज़ देखते होगे तो आप देखते होगे ये चीज़, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ ना कुछ आपको सीख मिला होगा। तो अगर आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और नहीं सीखा तो डिसलाइक कर देना, और कमेंट कर दोगे कि भाई कैसा लगा वीडियो तो और अच्छी बात रहेगी मेरे लिए। तो चलो मिलते हैं आपसे कल की वीडियो में, विद दिस थैंक यू सो मच, बाय।